यहाँ पर ये लोग काम अच्छा करते हैं, काम अच्छा करते हैं और कस्टमर का ध्यान रखते हैं, अटेंशन देते हैं काफी अच्छे है। और सबसे बोलो यहीं पर आए, सब कुछ मेकअप वगैरह सब कुछ अच्छा है। मतलब हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं, मैम का फाइनल होने वाला है। स्ट्रेट थेरेपी है, इससे बाल ना स्ट्रेटनिंग के लिए किया जाता है, बेसिकली ये रिबॉन्डिंग है। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं सैलानी के रजा चौक पर। आपको बता दें कि रजा चौक पर ही है आफ्ताब प्लाजा और आफ्ताब प्लाजा में है जावेद हबीबी का सैलून। हम लोग चलते हैं सैलून पर, मार्केट सुंदर सी दिखाई दे रही है, उसके बाद में आपको ये सीढ़ियाँ दिखाई देंगी। मैं इस सीढ़ियों के जरिए चलूँगा और उसके बाद में जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे और आपको सुंदर सा प्यारा सा ये आपको देखने के लिए मिलेगा सैलून। यही है वो सैलून जिसकी मैं कर रहा था बात, तो आइए मेरे साथ सैलून के अंदर। और आपको बता दें जैसे ही आप गेट से एंट्री करेंगे उसके बाद में ये रिसेप्शन एरिया है और कितना प्यारा से इसको बना रखा है। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर वर्क होता है, जहाँ पर काम होता है मेकअप का पूरा फुली जो वर्क होता है वो ये वाला पोर्शन है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मेकअप का काम हो रहा है और यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर आए हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पर काम करने वाले लोग भी हैं। मैं उन लोगों से भी बात करूँगा। दानिश सर, बरेली मिरर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह का मेकअप देते हैं आप? बेसिकली हमारे पास ना जितनी भी सर्विसेज हैं वो पहले तो इकोनॉमिकल है। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि हमने ये सोचा कि बड़े बड़े जो सलोन हैं वो आपको सर्विस करते टाइम क्लाइंट का ध्यान नहीं रखते। आपने देखा होगा हमारे यहाँ ये स्पेशल है कि क्लाइंट टू क्लाइंट आप देख रहे हो यहाँ पर्सनल अटेंशन है। ओके। ठीक है, हम प्रोडक्ट लगा के जाके अंदर नहीं बैठते। अच्छा। यहाँ पर जब भी काम होता है तो हर बंदे को पर्सनल अटेंशन दी जाती है। ठीक है। बेसिकली हमारे पास यही है कि हम बेसिकली अपना पर्सनल अटेंशन क्लाइंट को बहुत देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए वो खुश हो जाता, मतलब पर्सनली उससे हम लोग अटैच्ड रहते हैं, है ना। तो अभी कौन कौन सा मेकअप हो रहा है दानिश सर? आप कौन सा मेकअप दे रहे हैं या कितनी टीम काम कर रही है अभी? बेसिकली इन बालों पे स्ट्रेट थेरेपी हो रही है। ओके। यहाँ पर बेसिकली ये कैरेटिन हो रहा है क्लाइंट को। अच्छा। हाँ जी, और ये क्लाइंट फ्री होने वाले हैं, इनको हो चुका है सर। ठीक है, मैं अभी आपसे दो मिनट में मिलता हूँ। मैम क्या नाम है? गीता। क्या कर रही हैं इस टाइम बालों में आप? इस टाइम में कैरेटीन कर रही हूँ इनके बालों में। अच्छा, कितना टाइम लगता है इससे? लमसम दो घंटे लग जाते हैं। दो घंटे लग जी सर। ठीक है। मैम क्या नाम है? शमा। अच्छा, बरेली शहर में बहुत सारे सैलून हैं लेकिन यहाँ पर क्या खास है जो आप आई हैं? यहाँ पर ये लोग काम अच्छा करते हैं, काम अच्छा करते हैं और कस्टमर का ध्यान रखते हैं, अटेंशन देते हैं काफ़ी। अच्छा, चूँकि आज फर्स्ट ओपनिंग है इसलिए तो फुली सेटिस्फाई है? हाँ, मैं सेटिस्फाई। मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रिफा खानम है। अच्छा अच्छा, अभी क्या वर्क कर रही हैं आप? हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं, मैम का फाइनल होने वाला है। फाइनल होने जी वाला है। मैम किस तरह की सर्विसेज दी जा रही हैं यहाँ पर और नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम इल्मा है और यहाँ पर अच्छा हो रहा है सब कुछ, और सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और ये लोग बहुत अच्छे हैं। और सबसे बोलो यहीं पर आए, सब कुछ मेकअप वगैरह सब कुछ अच्छा है। मतलब अच्छा अच्छा, बरेली शहर की उन गर्ल्स के लिए क्या कहेंगी जो अपने बालों को स्ट्रेट कराना चाहती है, मेकअप कराना चाहती हैं, क्या बोलेंगे सैलून को लेकर? बहुत अच्छा है, यहीं पर आकर कराएं सबके सब। अच्छा, आप लोग फर्स्ट आएंगे जी? ये अभी प्रॉपर क्या कर रहे हैं आप? बेसिकली सर ये स्ट्रेट थेरेपी है, इससे बाल ना स्ट्रेटनिंग के लिए किया जाता है, बेसिकली ये रिबॉन्डिंग है। तो पहले इनके बालों में बहुत ज़्यादा जो है फ्रिज था, टेक्सचर बिल्कुल अनरूली एंड फ्रिजी था, अभी ये क्या है थोड़ा सेटल हो जाएगा, तो इसलिए मैम ये वर्क करा रहे हैं अपने बालों पे। जी, फिर इसमें कितना टाइम लगता है? बेसिकली इसमें दो से ढाई घंटे लगते हैं। दो ढाई घंटे लग जाते हैं जी। उसके बाद में फिर इसको वॉश वगैरह करना होगा ना? बिल्कुल सारा प्रोसेस कम्प्लीट होने में ढाई घंटे लग जाते हैं। ढाई घंटे लग जाते हैं। अच्छा दानिश सर, इससे पहले भी कहीं कोई बाहर वर्क कराएं आप? फिर बरेली शहर में यहाँ पर इस जगह पर सैलून खोलने का कैसे मन बनाया? हाँ जी सर, हमने पहले बेसिकली मैं एकेडमी ऑफ टोनियन गई मुंबई से ट्रेंड हूँ। अच्छा। और उसके बाद मैंने अपना जो एडवांस कोर्सेज हैं वो दिल्ली आर्ट्स एकेडमी से किया हुआ, नजीबुर रहमान सर से। ओके। जी, और उसके बाद मेरा एक सलोन और है सिविल लाइन्स में, सलोन HNH करके। हाँ जी, तो उसी को देखते हुए हमने सोचा कि ये मतलब ये सैलानी जैसे एरिया में
एक कमर्शियल प्रोफेशनल सैलून बनाया जाए। हाँ, यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ का क्लाइंट वहाँ पहुँचता था। तो हमारे दिमाग में जी, यहाँ का जो यहाँ का क्लाइंट है वो हमारे यहाँ सिविल लाइंस पहुँचता था, तो अब उनको परेशानी नहीं, उनको परेशानी नहीं होगी, उनकी रिक्वायरमेंट को देख के ये आउटलेट बनाया गया। अच्छा अच्छा, अपनी टाइमिंग क्या रहती है? बेसिकली हमारा सुबह 10:30 से 7:30 शाम। अच्छा, मैं अगर बात करूं तो इस टाइम गर्ल्स सबसे ज़्यादा कौन सा मेकअप में यूज कर रही हैं, मतलब उन लोगों के लिए क्या बेस्ट? हमारे पास HD मिनरल और आपका एयरब्रश मेकअप्स स्टार्ट करे हैं अभी हमने, और भी बहुत सारी चीज़ें ट्रेनिंग्स आ रही हैं, मतलब जो अभी हमारे पास ट्रेंड में वो HD मिनरल मेकअप्स हैं। अच्छा अच्छा, प्राइस क्या रहते हैं इनके, नॉर्मली रहते हैं? बेसिकली प्राइस हमारे बहुत इकोनॉमिकल हैं, और हमारे बेसिक मेकअप के चार्जेस 1500 रुपीज़ से स्टार्ट हैं। 1500 से स्टार्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि ये जावेद हबीबी का ये सैलून है, और आज ही इसकी ओपनिंग हुई है, और किस तरीके से इसको मेंटेन करके रखा है आप लोग देख रहे होंगे, कितना सुंदर बना रखा है इसको। आप एक बार स्क्रीन पर दिए हुए एड्रेस पर आएँ और कॉल भी कर सकते हैं, आप लोग अगर आने से पहले कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं, और प्रॉपर एड्रेस भी है, इस एड्रेस पर आकर आप एक बार यहाँ का मेकअप जो है उसको ले भी सकते हैं। तो देखते रहिए बरेली में। जय हिंद दोस्तों।